नमस्कार दर्शकों, आपका आज के राशिफल में स्वागत है। दर्शकों, शुरुआत करते हैं पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के स्वभाव में चंचलता रहेगी। काम की बारीकियों को समझते हुए उसे बेहतर ढंग से अंजाम देने का प्रयास करेंगे। नए विचारों को मूर्ति रूप देने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। वृषभ राशि की अगर बात की जाए तो वृषभ राशि के जातक आज ऑफिस का माहौल सुखदायक तथा सुरक्षित बनाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। बेहतरीन प्रदर्शन के द्वारा उच्च अधिकारियों की प्रशंसा पाने में कामयाबी पाएंगे। मिथुन राशि की अगर बात की जाए तो मिथुन राशि के जातकों का कामकाज से संबंधित छोटी यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। कला साहित्य से जुड़े हुए लोगों के लिए शानदार दिन है। आज आप संचार सुविधाओं का लाभ लेते हुए अपनी बात के द्वारा दूसरों को प्रभावित करने में कामयाब रहेंगे। कर्क राशि की अगर बात की जाए तो कर्क राशि के जातक पारिवारिक संस्कारों का उपयोग करते हुए पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। मित्रों के सहयोग से सभी काम आगे बढ़ेंगे। वित्तीय मामलों में दिन अच्छा है। कामकाज के अलावा पुराने निवेश भी लाभ देने वाले होंगे। सिंह राशि की अगर बात की जाए तो सिंह राशि के जातकों को छड़ी का आवेश में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचना होगा। तार्किक क्षमता का उपयोग करें, तभी कोई निर्णय लें। कामकाज के लिहाज से दिन बहुत अच्छा है। आपकी महत्वाकांक्षा पूरी करने में कामयाबी मिलेगी आपको। कन्या राशि की अगर बात की जाए तो कन्या राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा बोलने से बचना चाहिए। चतुराई से शब्दों का उपयोग करने से ही कोई डील फाइनल होने की संभावना बढ़ रही है। भविष्य की यात्रा का प्लान भी आज बना सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा समय है, परंतु खर्चे की अधिकता आपके संचित धन में सेंध लगा सकती है। तुला राशि की अगर बात की जाए तो तुला राशि के जातकों का सारा ध्यान सामाजिक रिश्तों को बेहतर बनाने की तरफ रहेगा। रोज के सभी काम आसानी से पूरे होंगे। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। मनवांछित इच्छाएं पूरी होने का योग बन रहा है। आर्थिक लाभ की भी अच्छी संभावनाएं बनी हुई हैं। सरकारी कामकाज पर धन खर्च होने का योग बन रहा है। वृश्चिक राशि की अगर बात की जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के कामकाज में कलात्मकता रहेगी। छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग कार्यक्षेत्र में मददगार साबित होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। भविष्य के लिए सरकारी योजनाओं में पैसा लगाएंगे। धनु राशि की अगर बात की जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए सुकून भरा दिन है। आपकी मेहनत के साथ साथ किस्मत भी आज आपके साथ है। कमाए के नए साधन उपलब्ध होने की संभावना बढ़ रही है। नया सरकारी काम आज आपको मिल सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आज आप पर बनी हुई है। खर्च नियंत्रित रहेंगे। मकर राशि की अगर बात की जाए तो मकर राशि के जातकों के स्वभाव में चंचलता रहेगी। व्यर्थ कार्य में समय लगाने की बजाय अपने काम पर फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुंभ राशि की अगर बात की जाए तो कुंभ राशि के जातकों की साझेदारी संबंधित कार्य प्रगति प्राप्त करेंगे। भाग्य का भी सहयोग आज आपको मिलेगा। जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। वित्त मामलों में समय लाभकारी है। खर्चे भी नियंत्रित रखने का प्रयास करें। अंतिम राशि मीन राशि की अगर बात की जाए तो मीन राशि के जातक अपने कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित करने पर सारा ध्यान लगाएंगे। आपके बेहतरीन प्रेजेंटेशन स्किल की बदौलत तरक्की के नए रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। उच्च अधिकारियों से मान सम्मान मिलने की संभावना भी है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। खर्च भी नियंत्रण में रहेंगे। तो दर्शकों, ये था आपका आज का राशिफल। अगर आपको हमारी तमाम वीडियोस से अपडेट पाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए। नेक्स्ट 9 स्पेशल से रजत की रिपोर्ट।